जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रासाउंड में प्लेसेंटा की जो पोजीशन लिखी होती है उसके द्वारा आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को। दोस्तों, बहुत सी आपने यूट्यूब पर वीडियो भी देखी होंगी कि प्लेसेंटा की पोजीशन से काफ़ी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों, प्लेसेंटा किसे कहते हैं। देखिए, प्लेसेंटा जो होता है वो गर्भनाल को कहा जाता है। गर्भनाल जिसके द्वारा मतलब बच्चे को सभी पोषक तत्व पहुंचते हैं, जो भी माँ खाती है उसका जो जितना भी पोषक तत्व होता है गर्भनाल के द्वारा ही बच्चे तक पहुँचता है। तो सबसे पहले जो प्लेसेंटा होता है वो अपनी एक पोजिशन बनाता है। जैसे ही आपका गर्भ ठहरता है तो जो प्लेसेंटा होता है वो जो पेट का जो जो वॉल होती है यानी दीवार जो होती है वो एक जगह पर मतलब अपनी पोजीशन बना लेता है। तो इसीलिए जब प्लेसेंटा की पोजीशन आपको पता होती है तो काफ़ी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को। दोस्तों, अधिकतर गर्भवती महिलाओं में देखा गया है कि अगर आपका प्लेसेंटा पोस्टियर है, पोस्टियर का मतलब जो आपका पेट का जो पीछे का हिस्सा होता है यानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी की तरफ का जो मतलब दीवार होती है, अगर वहाँ पर उसकी पोजीशन होती है तो उसे पोस्टियर कहा जाता है। और वहाँ पर अगर आपका मतलब पोजीशन है पोस्टियर, तो अधिकतर गर्भवती महिलाओं में देखा गया है जिनका पोस्टियर पोजीशन होती है उनको लड़का ही हुआ है। और अगर आपका पोस्टियर होता है तो आपको रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा दर्द बना रहता है, यानी कमर में दर्द होना, कुल्हे में दर्द होना, यानी आपके बैक पेन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और ये मेरे टाइम पर भी बिल्कुल सही था क्योंकि मेरा प्लेसेंटा जो पोजीशन थी वो भी पोस्टियर थी और मुझे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और मुझे बेबी बॉय ही हुआ। और अधिकतर केसेस में देखा गया है जिनकी प्लेसेंटा की पोजीशन वो एंटीरियर हो रही है यानी आगे की तरफ, यानी नाभि के तरफ वाला जो हिस्सा होता है पेट का, अगर वहाँ पर उसने पोजीशन बनाई है तो उसे एंटीरियर कहा जाता है। और जिन भी गर्भवती महिलाओं की प्लेसेंटा की पोजीशन एंटीरियर होती है तो उनको ज़्यादातर लड़की हुई हैं। तो दोस्तों, आप प्लेसेंटा की पोजीशन से मतलब काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को। अधिकतर केसेस में देखा गया है जिन गर्भवती महिलाओं की प्लेसेंटा की पोजीशन पोस्टियर होती है उनको लड़का हुआ है और जिनकी एंटीरियर होती है उनको लड़की हुई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है और साइंटिफिकली इसका कोई भी मतलब आधार नहीं है। दोस्तों, अधिकतर मतलब ऐसा पाया गया है गर्भवती महिलाओं पर, उसकी हमने जानकारी दी है, साथ ही मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको शेयर किया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।